बात करते हैं अगली खबर की। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद कई राज्य में गेहूं के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गेहूं की कीमत कर्नाटक और गुजरात में रिकॉर्ड बना रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में गेहूं की कीमत 2270 रुपये प्रति क्विंटल तक है, जबकि कर्नाटक में इसकी कीमत 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गई है। वहीं कॉमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि खुले बाजार में गेहूं की मांग बनी रहेगी, क्योंकि भारत में उत्पादन कम हुआ है और निर्यात ज्यादा है। ऐसे में इसकी कीमत 2500 रुपए से 2600 रुपए प्रति क्विंटल ही रहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और यूरोपीय संघ जैसे गेहूं उत्पादन देशों में उत्पादन में कमी के कारण विदेशी बाजार में गेहूं की आपूर्ति कम रह सकती है। कर्नाटक में इन दिनों गेहूं का रेट ज्यादा है। यहाँ की बिदर मंडी में 20 जून को अधिकतम भाव 3200 जबकि औसतम भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं बीजापुर मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल था, अधिकतम भाव 2800 रुपये था। वहीं औसत भाव 2650 रुपये रहा। वहीं बता दें महाराष्ट्र के बुलडांडा की महकर मंडी में न्यूनतम भाव 2300 रुपये तो अधिकतम 2700 रुपये रहा, जबकि औसत भाव वहाँ पे 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बता दें कि गेहूं की कीमत को स्थिर रखने की वजह से चिलचिलाती गर्मी, कमजोर सरकारी स्टॉक और खरीद में मंदी के कारण साल दर साल गेहूं उत्पादन में गिरावट है। 1 जून को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 31.14 मिलियन मीट्रिक टन था, जो साल दर साल 48.3% कम था। यह जून 2008 के बाद से सबसे कम है। उस समय के केंद्रीय पूल में स्टॉक 24.12 मिलियन मीट्रिक टन था। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2023 तक एफसीआई के पास गेहूं का स्टॉक लगभग 12.9 मिलियन मीट्रिक टन होगा, जो बफर स्टॉक मानदंडों से 54 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इस साल उत्तर भारत में भीषण गर्मी की लहर ने गेहूं के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है, इससे उत्पादन कम हो गया है। सरकार ने पहले ही 111.32 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया गया है।